सो व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे जीआरस को। सो इस वाले वीडियो में हम लोग फाइनली नाइट 5 और नाइट 6 को खेलेंगे। मुझे पता है नाइट 6 इस गेम का लास्ट नाइट है, लोगों ने मुझसे कह दिया था फ्राइडे नाइट लास्ट नाइट एट सैनिटी। सो अभी समझाने और समझने का दिन जा चुके हैं, ये नाइट 5 है, हम लोग बिल्कुल भी केयरलेसली नहीं खेल सकते, एक मिस्टेक हमारे पूरे गेम को बिगाड़ देगा। तो अभी हम लोग उसी लिम्बो के अंदर है, हमारे सामने हमारा फ्रेंड पॉल ब्रेयर, ये शायद एक फाइनल बॉस है, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। सो व्हाट इज द प्लान, आई से वी टेक द गोस्ट बाय सरप्राइज, वी जस्ट नीड अ वे टू गेट इन टू द बेसमेंट इन सीक्रेट। ये वे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। I will cover that. I found an entrance into the basement long ago. I locked it up as soon as I found it. I'm sure the ghost knows it exists. So you must be cautious. I will do my best. I will finish my investigation tonight and we will meet right back tomorrow. होपफुली टुमारो नाम का कुछ होगा। सो अभी हम लोग जो है जाएंगे बेड में सोने, ये होगा हमारा नाइट 5। भाई मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी अपलोड करना चाहता था, 5 दिन के बाद मैं एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नफरत है भाई जब मेरे पास टाइम नहीं होता एक गेम को खेलने का, और मैं जानना चाहता हूँ इस गेम में क्या होने वाला है। सो मैं जो है अभी पपेट को बुला लेता हूँ, रोने का टाइम नहीं है भाई। और एक बात का, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत हेल्प करेगा मुझे। सो गोस्ट जो है अभी से ही एनिमेट्रॉनिक्स को हॉन्ट करना शुरू कर चुका है, इनमें से कोई है, या तो फॉक्सी या फिर फ्रेडी, मेरा गट्स कह रहे हैं। सो लेट्स सी, इन दोनों में से कोई है। सो आई थिंक ये फॉक्सी का काम है या फिर फ्रेडी का। अगर फॉक्सी नहीं होता तो मैं यहाँ पर डेड हूँ आई थिंक, एक गेस होगा ये हमारा। ओ माई गॉड, नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पपेट आ चुकी है यहाँ पर, जल्दी से हमें रिपेयर करना पड़ेगा इसे। आई थिंक मैं इससे कम बैक नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत बड़ा गलती कर लिया। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, गेस नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। ओके तो बहुत ही घटिया स्टार्टिंग था, यहाँ पर फ्रेडी है और चीका है, पता नहीं कौन है इनमें से, पर इनमें से एक है क्योंकि हमारा कैमरा एग्रेसिवली फ्लिकर हो रहा था। सो अभी बॉनी है और ये फॉक्सी और चीका एक टाइम पर जा चुके हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा अभी कौन है। तो अभी हमें एक ही एनिमेट्रॉनिक को ट्रैक करना पड़ेगा। एनिमेट्रॉनिक और एनिमेट्रॉनिक्स में फ़र्क है मुझे पता है, प्लीज़ इसको कमेंट करना बंद करो भाई, ग्रामर इतना लोग क्यों सिखाते हैं मुझे समझ नहीं आता। ओके सो लेट्स सी, अब जो है मैं फ्रेडी को ही चूज़ करता हूँ। फ्रेडी मैं तुम्हें चुनता हूँ, लेट्स सी, अगर मैं गलत होता हूँ तो ऑलरेडी मेरा गेम यहाँ पर बिगड़ चुका है। लेट्स सी, ये फ्रेडी था भाई। ओके हम लोग जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो हम लोग जो है जल्दी से इसे भेजते हैं। ओके माय गॉड, मैं एक एनिमेट्रॉनिक्स को यहाँ पर बुला भी नहीं सका, उससे पहले इस घोष ने जो है हॉन्ट कर लिया। तो यहाँ पर पापेट बॉनी और फॉक्सी है, लेट्स सी इनमें से शायद कोई हॉन्टेड हो सकता है। नो हैंड प्रिंट्स, पपेट और सब लोग जा चुके हैं आई बिलीव। चीका है और फ्रेडी है यहाँ पर, कुछ सिग्नल तो नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे इन दोनों में से किसी एक को ट्रैक करना पड़ेगा। फॉक्सी है यहाँ पर और पपेट भी है। अच्छा एक सेकेंड, सारे एनिमेट्रॉनिक्स को मैंने देख लिया, बॉनी कहाँ पर है भाई। वेट ए सेकेंड, मैं एक बहुत ही गंदा, नहीं नहीं ये कभी मत करना आप जब खेलेंगे तो, क्योंकि ओके नाइस, ओ माय गॉड दिस वाज रियली लकी भाई। अगर आप लोग कभी खेलते हैं तो ऐसा मत करना, मुझे एक्चुअली पता है ये गेम ओवर हो चुका है ऑलरेडी, सो मैं रिस्क ले रहा हूँ। सो लेट्स सी कौन सा एनिमेट्रॉनिक हॉन्टेड होता है, होपफुली ये बेलून बॉय होगा। नहीं ऑफकोर्स क्यों होगा, होगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेट्स सी, अगर कोई एनिमेट्रॉनिक हमें नहीं दिखता तो आई थिंक वही एनिमेट्रॉनिक हॉन्टेड होना चाहिए। फ्रेडी यहाँ पर है तो फ्रेडी हॉन्टेड के लिस्ट से बाहर जा चुका है। फॉक्सी है यहाँ पर, फॉक्सी भी शायद हॉन्टेड नहीं होगा। जब एक हॉन्टेड एनिमेट्रॉनिक एक कैमरे से एक दूसरे कैमरे में जाता है तो कैमरा नो सिग्नल दिखाता है। सो लेट्स सी, मुझे अभी जो है बॉनी और चीका पे डाउट है आई थिंक। ये जो एक सेकेंड, व्हाट द हेल, मैंने शायद बॉनी को बुला लिया था, इसका मतलब पपेट हॉन्टेड नहीं है आई बिलीव। पपेट आई थिंक ये चीका का काम है। लेट्स सी अगर पपेट हॉन्टेड, या नाइस, ओ माय कैसे मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ भाई। ओके लेट्स सी अब क्या है, गोस्ट हैज एंटर्ड, आई थिंक ये बेलून बॉय और एक को छोड़ के होगा आई बिलीव। अच्छा तो यहाँ पर फॉक्सी अकेला है, फॉक्सी सर आपका गेम ओवर, फॉक्सी वॉज द इम्पोस्टर अमोंग अस। एक सेकेंड हम लोग जो है जल्दी से फॉक्सी को चूज करते हैं एंड लेट्स सी, वेट व्हाट द हेल, एक सेकेंड, ओ माय गॉड नहीं इनका इतना लेवल कम कैसे हो गया, मैरियनेट, अच्छा ओ माय गॉड, मुझे भाई मैं ऐसा नहीं खेल सकता। ओके अब टाइम है सीरियस होने का, ये होगा हमारा लास्ट ट्राई, मैं इस ट्राई में इस नाइट को कंप्लीट करूंगा। अच्छा तो हम लोग अभी आ चुके हैं इस नाइट में, तो एक काम करते हैं जल्दी से हम लोग पपेट को यहाँ पर बुला लेते हैं। पपेट को ढूंढना उतना कुछ खास मुश्किल है नहीं, तो ये घोस्ट जो है हॉन्ट करना शुरू कर चुका है, ये बेलून बॉय नहीं होगा ऑफकोर्स। तो लेट्स सी ये पर जो है कैमरा एरर दिखा रहा है, तो जो भी एनिमेट्रॉनिक इसके बाहर होगा वो सेफ होगा। हमें अपने यह फॉक्सी है रहा, आई थिंक फॉक्सी हमारे लिस्ट से बाहर जा चुका है। फॉक्सी और पपेट को छोड़ के, फॉक्सी पपेट बेलून बॉय इनमें से कोई एक हॉन्टेड नहीं है, इनको छोड़ के 3 एनिमेट्रॉनिक हॉन्टेड हो सकते हैं। आई थिंक हम लोग जो है इसे जल्दी से रिपेयर करके भेज देते हैं ताकि हम लोग एक और एनिमेट्रॉनिक को जल्दी से बुला सके।
फॉक्सी हॉन्टेड नहीं है मुझे पता है, तो मुझे चीका पे और फ्रेडी पे और बॉनी पे नोटिस करना पड़ेगा। चीका इस रूम से जा चुकी है। वेट ए सेकेंड, पपेट तो हॉन्टेड नहीं है मुझे पता है, मुझे जो है फ्रेडी और बॉनी पे डाउट है। मुझे कोई अभी तक दिखा भी नहीं, अगर एक दिख जाए और एक ना दिखे तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ ये बॉनी या पड़े है। आई गेस ये फ्रेडी का काम है। तो हम लोग जो है इस एनिमेट्रॉनिक को जल्दी से भेजते हैं, फॉक्सी को, एंड हम लोग फ्रेडी को अभी बुला सकते हैं जल्दी से। लेट्स सी, यस नाइस, ग्रेट वर्क। इस टाइम के अंदर हम लोगों ने एक एनिमेट्रॉनिक को फिक्स भी कर लिया। एक एनिमेट्रॉनिक को हम लोग यहाँ बुलाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। सॉरी मेरा कलर बैठ रहा है। अच्छा, सो लेट्स सी अब कौन सा एनिमेट्रॉनिक है। सो ये फ्रेडी को छोड़ के और बेलून बॉय को छोड़ के कोई एक होगा। फॉक्सी आई डोंट थिंक नहीं है, पपेट हो भी सकता है। और फॉक्सी यहाँ पर आ चुका है, पपेट जा चुकी है इस रूम से, कोई हैंड प्रिंट नहीं, फ्रेडी आ चुका है। लेट्स सी। सो एक सेकेंड, कैमरा फ्लिकर हुआ। आई बिलीव ये फ्रेडी का काम हो सकता है। बॉनी को हम लोग जल्दी से यहाँ पर भेजते हैं। अगर मैं कोई एनिमेट्रॉनिक को गलत प्रोनाउंस कर दूँ प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं अभी बहुत ही नर्वस हूँ। चीका को हम लोग बुला लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये फ्रेडी का काम है। अगर फ्रेडी का काम होता है तो हम लोग और रिपेयर थोड़ा सा कर सकेंगे। फॉक्सी है यहाँ पर और पपेट है यहाँ पर। लेट्स सी, मैं फ्रेडी को ट्रैक करूँगा। बॉनी दूर खड़ा है, बॉनी आई डोंट थिंक है। ओके, तो हम लोग जो है जल्दी से इस चीका को भेजते हैं। चीका हॉन्टेड नहीं था, मुझे पता चल चुका था पहले से ही। अब जो है हम लोग फ्रेडी को रिपेयर कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा सियोर होना चाहता हूँ। एक सेकंड, फ्रेडी गया कहाँ पर? ये रहा फ्रेडी। हाँ, अब फ्रेडी मैं कंफर्म कह सकता हूँ। जब ये कैमरा फ्रेडी पे आता है तभी ये कैमरा फ्लिकर करता है। सो टू टाइम इन ए रो फ्रेडी ही इम्पोस्टर था। अब लेट्स सी कौन होता है, होपफुली बेलून बॉय। लेट्स सी एक बार बेलून बॉय को चेक कर लेते हैं। नाइस, बेलून बॉय नहीं है वापस से। पता नहीं ये लोग हमेशा से क्यों करते हैं भाई। वेट ए सेकेंड, एक्सक्यूज मी, कोई जो है हमारे कैमरे को मूव कर रहा था। मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी अपने कैमरे को मूव कर रहा था। अगर कोई मूव करता है तो प्लीज़ थोड़ा सा एग्रेसिव मूव करना ताकि मैं समझ सकूं। पपेट जा चुकी है इस रूम से। आई थिंक पपेट का कोई ड्रामा नहीं है इस गेम में। फ्रेडी भी जा चुका है। सो लेट्स सी, बॉनी और फॉक्सी में से कोई होगा। मैंने शायद उनमें से किसी एक को बुलाया भी है यहाँ पर। फ्रेडी और चीका यहाँ पर नहीं है, तो मैं जो है काम करता हूँ। लेट्स सी, अच्छा तो फॉक्सी यहाँ पर है, तो आई थिंक ये बॉनी का काम है क्योंकि मैंने बॉनी को अभी तक नहीं देखा। एक काम करते हैं, मैं जो है बेलून बॉय को यहाँ पर बुला लेता हूँ। मैं कंफर्म हूँ अभी बॉनी हो सकता है, कंफर्म हो सकता है और कंफर्म हूँ, ये दोनों वर्ड सेंस नहीं बनाता, पर मुझे लगता है ये बॉनी का ही काम है। सो मैं जो है अभी फ्रेडी को यहाँ पर, सॉरी जिसको भी मैंने बुलाया वो अभी आने देता है उसको। यहाँ पर एक हैंड प्रिंट भी है, इंटरेस्टिंग। बॉनी है इस रूम के अंदर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर डाउट कर रहा हूँ बॉनी को। अबे यार ये चीका क्यों आई भाई? मुझे एक्चुअली बॉनी को थोड़ा सा नोटिस करना था, ये कभी इनको अकेला नहीं छोड़ते। सो लेट्स सी, मैं जो इसको जल्दी से फिक्स करता हूँ बेलून बॉय को। एंड मेरा डाउट है बॉनी, बेलून बॉय को मैं ये इसलिए फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये हॉन्टेड नहीं है। मैं जो है बॉनी को चूज़ करता हूँ। नाइस, अब जो है बेलून बॉय हॉन्टेड होता है तो हम लोग जल्दी से उसे फिक्स कर सकेंगे। मैं जो है फ्रेडी को बुला लेता हूँ ताकि ये हॉन्टेड ना हो सके। नाइस, ये बेलून बॉय नहीं है वापस से। फ्रेडी और बेलून बॉय को छोड़ के एक एनिमेट्रॉनिक हॉन्टेड है। लेट्स सी कौन सा एनिमेट्रॉनिक। फॉक्सी सर, आप हॉन्टेड के लिस्ट में हो सकते हैं। बॉनी भी आ चुका है, इनमें से कोई भी एक हॉन्टेड हो सकता है। लेट्स सी, अगर नहीं होता तो चीका टॉप सस, अभी चीका सस है। चीका और पपेट में से कोई एक सस है। तो एक सेकंड, हम लोग जो है इसे जल्दी से रिपेयर करते हैं। मेरा डाउट है चीका या पे पपेट हो सकता है, मैं गलत नहीं कर सकता भाई। मैं जो है फॉक्सी को बुला लेता हूँ क्योंकि या बुला ही लेते हैं, मैंने बॉनी को बुला लिया। ओके ठीक है, आई थिंक बॉनी हॉन्टेड नहीं था, बॉनी और फॉक्सी एक ही रूम में थे। चीका यहाँ पर आ चुके हैं, इसका क्या मतलब पपेट हॉन्टेड है? मैरियनेट मैम आप कहाँ पर हैं? मैंने मैरियनेट का साउंड नहीं सुना अभी तक, वरना वो ऐसे ही घूमती रहती, अजीब बात है। लेट्स सी कहाँ पर है ये मैरियनेट। हंट फॉर मैरियनेट बिगिंस। अच्छा नाइस, तो हमें पता चल चुका है मैरियनेट हॉन्टेड है, उसके कैमरे में सिग्नल नहीं था। ओके लेट्स सी, हम लोग इसे जल्दी से फिक्स करते हैं। मैं जो है फिक्स कर रहा हूँ इनको, एग्रेसिव मैं नहीं खेल रहा। तो एक सेकंड, हम लोग जो है अभी मैरियनेट को चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक और एनिमेट्रॉनिक को बुला लेते हैं जिसका स्टेबिलिटी कम है। ओके, इसका स्टेबिलिटी कम है तो हम लोग इसे रिपेयर करते हैं देन बुलाते हैं ताकि ये हॉन्टेड ना हो जाए। ओके नाइस, अगेन ये बेलून बॉय नहीं है। मैं बस होप करता हूँ ये बेलून बॉय हो, पर ये कभी होता नहीं। लेट्स सी अब कौन है। मैंने मैरियनेट को बुला लिया, मैरियनेट और बेलून बॉय के अलावा कोई एक होगा यहाँ पर तो कोई नहीं। फॉक्सी और फ्रेडी आ चुके हैं, दो आएंगे एक साथ ताकि हम लोग कन्फ्यूज़ हो सके, हमारा टाइम जाए बस। चीका और बॉनी, अच्छा एक सेकेंड, फॉक्सी और फ्रेडी में से कोई एक होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा एक हैंड प्रिंट था छत के ऊपर। ओके लेट्स सी, जो है मैं इस मैरियनेट को जल्दी से रिपेयर कर लेता हूँ। इसका हेल्थ कम था, मैंने देखा था स्टेबिलिटी कम था। अब मैं जो है
चिका को बुला सकता हूँ यहाँ पर। मेरा कमेंट्री थोड़ा सा बिगड़ रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी गेम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हूँ, मैं इस गेम को हारना नहीं चाहता। अभी तक बहुत अच्छे से जा रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हैं। इस गेम को खेलने का मेन मज़ा है कि यहाँ पर हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, लक का कोई यहाँ पर सीन नहीं है। बेलून बॉय थोड़ा बहुत लक का सीन है, पर इट्स सी यहाँ पर जो है फ्रेडी का काम है आई बिलीव। हाँ ठीक है ना, इसी फ्रेडी का काम था जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो मैं जो है इसको जल्दी से रिपेयर करके भेजता हूँ। सो लेट्स सी, अब ये अच्छा नाइस, अब ये बेलून बॉय का काम है तो हम लोग इसे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक सारे एनिमेट्रॉनिक के लेवल थोड़े बहुत ठीक थे। आई थिंक हमें एक और एनिमेट्रॉनिक को स्पॉट करना पड़ेगा, देन हमारा गेम ओवर हो जाएगा। बेलून बॉय अगेन, ऑफकोर्स नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं। ओके लेट्स सी अब कौन है, ये हमारा लास्ट एनिमेट्रॉनिक होगा आई बिलीव। तो मैं बेलून बॉय को ये पर बुला लेता हूँ, इसका स्टेबिलिटी कम हो चुका था, अब इसका कोई काम है नहीं। फॉक्सी है, पपेट है, ओके इंटरेस्टिंग, दोनों जा चुके हैं, कोई हैंड प्रिंट नहीं। फॉक्सी और चीका आई डोंट थिंक है। ओके ओ माय गॉड, दिस इज सो इजी। तो मैं जो है जल्दी से पपेट को चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट होने वाला है आई थिंक, और गेम को हम लोग लंबा नहीं खींचते। पपेट यू आर डन। ओके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। ये था नाइट 5, एक प्रोफेशनल गेम प्ले जहाँ पर मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं किया। आई थिंक मैंने नहीं किया, अच्छा मैंने नहीं किया, मैंने किसी भी गलत एनिमेट्रॉनिक को चूज़ नहीं किया। ये था 6 मिनट 50 सेकेंड का, जो कि एक्चुअली मुझे कम टाइम लगा इस बार। आई थिंक पॉल बेयर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो हम लोगों को जो है एक टेप मिलेगा आई बिलीव इस नाइट के बाद, जिससे हमें इस गेम के लोर के बारे में पता चलेगा। ये होगा हमारा लास्ट टेप, क्योंकि आई डोंट थिंक नाइट 6 में हमें कोई टेप मिल सकता है। इससे जो है हमें पता चलता है मैंगल के बारे में, जो कि कुछ एनिमेट्रॉनिक मिल के उसे बना रहे थे, पर एक्चुअली इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। हमें एक अलग से लोर का वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पर एक बंदा 30 मिनट तक एक लोर के बारे में बकबक करेगा और ढूंढ के निकालेगा। लेट्स सी क्या है इस टेप के अंदर। आई थिंक अभी तक उस मैंगल को बन जाना चाहिए था, फ्रेडी बॉनी और चीका मिलके उनको मना रहे थे। अगर आप लोगों ने लास्ट टेप्स को देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके सो लेट्स सी ये क्या है, एक पेंटिंग आई थिंक, इतना डार्क है मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का पेंटिंग, कोई किसी को खा रहा है, आई डोंट नो क्या है ये चीज़, पर आई थिंक अच्छा ये पर मैरियनेट एक बच्चे को पेंटिंग ओके कुछ दे रहा है, उसके ऊपर ब्लड ड्रॉप, आई थिंक ये मैंगल का काम है। मैंगल साथ इन बच्चों को मार के कुछ ओके नहीं, बहुत ही डिस्टर्बिंग थ्योरी बन रहा है और मैं अभी यूट्यूब पे कुछ कह नहीं सकता ऐसा। तो बड़े लंबे टाइम के बाद मैंने जो है मैंगल का साउंड सुना। सो लेट्स सी क्या है नाइट 6। हम लोग जो है इसे ट्राई करेंगे जितनी जल्दी हो सके बीट करने का, हम लोग वापस से उस लिम्बो में आ चुके हैं। सो लेट्स सी ये होगा हमारा लास्ट नाइट। ये पॉल बेयर तो कोई विलेन नहीं निकला, सो थैंक यू फॉर सपोर्ट आई थिंक। रेडी टू वेंचर इनटू द अननोन, आई गेस वी आर एज रेडी एज वी विल एवर बी। Yeah, this door will lead you straight to the center of the basement. That's where you will find our ghost. Now, I took a peek and scouted out the basement while you were doing your investigation. Did you see anything? Well, from what I could make out, it seems the ghost has turned the basement into their own little game. Alright, then we need a plan. I say we go alone with whatever the game the ghost is trying to play with us and trap her by surprise. Well, how are you going to trap the ghost? Trap her here alone with other corrupt spirits to let them rot as I have for centuries. Alright, then this is it. If this works, Paul, I may never see you again. So I guess this is goodbye. Yeah, I guess it is. What a journey this has been. But let's finish this. JR's ends tonight. Damn, तो ये पॉज जो है बहुत सदियों से यहाँ पर सर रहा है, तो आई थिंक आज जो है हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा बेसमेंट में। सो लेट्स सी क्या है ये स्पिरिट। इस बेसमेंट को जो है इसने अपनी तरह से बनाया है, तो हम लोग देख लेंगे। ये शायद एक पुराना पीस जरिया टाइप का होगा आई थिंक। सो लेट्स सी क्या है इस बेसमेंट में, होपफुली मैंगल हो सकता है, आई डोंट नो। नाइस, ये मैंगल ही है आई बिलीव। मुझे नहीं पता ये पर कौन सा गोस्ट है, पर लेट्स सी। द नेक्स्ट डे, अच्छा तो हम लोग गलती नहीं कर सकते, मैं जो है दो बार ऑलरेडी मर चुका हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यह से स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2 है, जब हम लोग खेलते थे। यहाँ पर एक म्यूजिक बॉक्स है जहाँ पर पपेट है, मुझे जो है इस म्यूजिक बॉक्स को घुमाए रखना पड़ेगा। हमारे सामने एनिमेट्रॉनिक आएंगे, हमें उन्हें भगाना पड़ेगा। फॉक्स से आता है तो हमें बार बार फ्लैश करना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम पहले फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2 खेला था, इसलिए मैं दो बार मर चुका हूँ। मुझे जो है इस वीडियो को छोटा बनाना है बाय द वे, तो मैं इसको शायद नहीं दिखाऊंगा। बट लेट्स सी, बेलून बॉय का एक लाभ हम लोगों ने सुना था कुछ टाइम पहले, कोई मेरे सामने आ चुका है, तो हम लोग मास्क को पहन लेते हैं। ये ग्लिच्ड रूम है,
और 2 बजे के बाद एक सरप्राइज देखने वाले हैं आप। देखो बस, ये नाइट कम्प्लीटली चेंज होगा जैसे कि एनट के साथ होता था। आई थिंक एनट के साथ एक पूरा नाइट हम लोग अकेले स्पेंड करते थे भाई। एनट पेंट था ये, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली उसके तुलना में। लेट्स सी, हमारे सामने कोई नहीं, हम लोग जो है जल्दी से इस म्यूजिक बॉक्स को घुमा के रखते हैं ताकि ये पपेट ना आसाद हो जाए। बस हमारे सामने कोई आ चुका है तो हम लोग जल्दी से मास्क को पहन लेंगे। और गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, इनको आने देते हैं, मैं गलती कर रहा हूँ भाई। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक और स्पेस बार तीनों से ही ये मार्क्स ऊपर नीचे जाता है, पता नहीं कैसे हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। एक तो इतना कंफ्यूजिंग कंट्रोल्स, तो मैं जो है इस म्यूज़िक बॉक्स को घुमा के रखता हूँ। और एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, ये नाइट 10 बजे से शुरू हुआ, 12 बजे से नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में 5 नाइट्स के, जो कि अच्छी बात नहीं एक्चुअली। बहुत लंबे टाइम तक हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। होपफुली ये जो है उन नाइट्स में से जो कि जल्दी ख़त्म होता है। हमारे सामने जो है फॉक्सी है, मैं इसे बार बार फ्लैश करूंगा। अब हम लोग जो है जल्दी से इस म्यूजिक बॉक्स को घुमा सकते हैं। कितना केओस मचा पड़ा है चारों तरफ, मैं बस फोकस नहीं कर सकता कमेंट्री पे स्पेशली। ऑलराइट नाइस, तो अब लेट्स सी कौन आता है। मैं जो इस म्यूजिक बॉक्स को घुमा के रखता हूँ ताकि कोई आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा सेफली खेल सके, क्योंकि मुझे डर है दो चीज़, एक मतलब दो एनिमेट्रॉनिक बार बार आएंगे एक के बाद एक, तब मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी इस काम को करने का। मेरे सामने फॉक्स नहीं था, मैंने देख लिया, अच्छी बात है। तो मैं जो है जल्दी से इसको घुमा के रखता हूँ, अगर कोई आता है हमारे सामने तो हमारे स्क्रीन को अपने आप ही डाउन कर देगा अगर वो फॉक्स नहीं होता तो। बेलून बॉय का सेकेंड लाफ आई गेस, या थर्ड लाफ मुझे याद नहीं, आई थिंक फोर्थ लाफ पे बेलून बॉय आता है। मैं कैमरे को क्या कर रहा हूँ भाई, इस गेम में लैग हो रहा है आई थिंक। ऑफकोर्स लैग होना चाहिए, मैंने एक नया पीस नहीं खरीदा। ओके नाइस, मेरे सामने फॉक्स नहीं, तो हम लोग जल्दी से इसे घुमाते हैं। देखा कितनी जल्दी ये ट्रेन हो रहा है, फॉक्स आ चुका है। ओ माय गॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे सामने कोई और भी आ चुका है। नो माय गॉड, जल्दी जा भाई, मेरे सामने फॉक्स ही खड़ा था। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, उसका पावर कम हो रहा है जल्दी से। मुझे नहीं पता बेलून बॉय का कितने नंबर का लाभ था ये, आई थिंक बेलून बॉय एक बार हंसा, थर्ड नंबर का आई बिलीव। ओके, हमारे सामने कोई आ चुका है पर हम लोगों ने मास्क को पहन के रखा था। प्लीज़ वापस से कोई मत आना, मुझे थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ेगा इसको। फॉक्स आई थिंक मेरे सामने नहीं है, नहीं, ओ माय गॉड। ओके ठीक है, नाइस, क्या कर रहा था भाई, अच्छा मैं बच गया, अच्छा ठीक है नाइस। तो हम लोग जो इसे जल्दी से वाइंड अप करते हैं, वापस से कोई आ चुका है। मेरा म्यूजिक बॉक्स का पावर बहुत ही कम हो रहा है। ओके लेट्स सी, जल्दी से हम लोग इसे घुमाते हैं। कोई है हमारे सामने, फॉक्सी, जल्दी से हम लोग फॉक्सी को फ्लैश करते हैं। जा भाई, 5 बार फ्लैश करने के बाद इसे जाना चाहिए, पर मैं सर 10-15 बार फ्लैश कर रहा हूँ इसे। मुझे एक्चुअली पसीने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कमेंट्री से आई गेस, इतना हैवी कमेंट्री करना पड़ रहा है मुझे इस गेम के ऊपर। ओके, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं बस बार बार इस मॉनिटर को अप डाउन करता हूँ। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, इतने सारे कंट्रोल्स है इस गेम में। अगर मैं जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडी टू का जो कंट्रोल्स था, अगर मैं मार्क्स को पहन देता हूँ तो मैं उसे उतार नहीं सकता जब तक वो एनिमेट्रॉनिक जाता नहीं। और यह पर वो अलग सीन है, मैं जो है कल जब भी चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे सामने शायद विदर्ड फ्रेडी था, मैंने देखा। ओके नाइस, तो अभी जो है हम लोग मास्क को पहन लेते हैं, मेरा जो म्यूजिक बॉक्स डाउन। ओके नाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 बज चुके हैं, तो अभी जो है नाइट में सब लोग मिलकर मैंगल को बनाएंगे। सारे एनिमेट्रॉनिक मिलकर एक एनिमेट्रॉनिक बनेंगे जो कि है मैंगल। बीयूआर द मैंगल, यू नो यू कांट बी हेयर, डोंट मेक इट मोर डिफिकल्ट देन इट हैज टू बी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सारे एनिमेट्रॉनिक जा रहे हैं मैंगल को बनाने। सो लेट्स सी, हम लोग देख लेंगे मैं मैंगल को बीट कर सकता हूँ या नहीं। मैं जो है मैंगल से एक बार मरा था, मेन दिक्कत मैंगल नहीं है बाय द वे। और ये क्या चीज़ है कि इस एनिमेट्रॉनिक 2 का जो बुद्ध था उसका हेड लग रहा है मुझे देख के। ये देखो, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी है ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। मेरे पास जो है अभी ऑलमोस्ट फुल बैटरी है, ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा अभी। देखो बस, ये अपने गोस्ट आता है जो कि अपने हाथ को आगे करता है कैमरे में। मुझे जो है कैमरे के डार्कनेस में देखना पड़ेगा कहाँ पड़े वो गोस्ट, एंड देन मुझे जो है 100% कम्प्लीट हो चुका है ये मैंगल आई बिलीव। अब जो है मैंगल आएगा, तो इस मैंगल के साथ आता है एक आउल एंड एक गोस्ट। जो मैं गोस्ट की बात कर रहा था वो एक अंधेरे रूम में हमें दिखेगा जो कि हमारे बैटरी को चुरा लेगा अगर हम लोग उन पर फोकस नहीं करते तो। और वो जो आउल है हमारे वेंट में से आएगा, एक रैटलिंग का साउंड आता है, देन हमें मास्क को पहनना पड़ेगा। ये आउल बहुत ही अनोइंग है, मैं इससे एक बार ऑलरेडी मर चुका हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर शायद वो गोस्ट नहीं है, तो मुझे रैटलिंग के साउंड पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हेडफोन क्रूशियल है, जब मैंगल कैमरा टू कैमरा चेंज करता है तो कैमरा मतलब ब्लर हो जाता है, नो सिग्नल हो जाता है। लेट्स सी, जैसे कि आप लोगों ने एक रैटलिंग का साउंड सुना, तो ये जा चुका है। इस साउंड से ये आता है, इस साउंड से ही ये आ जाता है। ओके, इस रूम में तो नहीं है, मैं जो है मास्क को जल्दी से पहन लेता हूँ। वो आउल आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा वो जा चुका है। अभी इस रूम में भी नहीं है,
अच्छा ये पर है, मैंने उस पोस्ट को भगा दिया। नाइस, मैंगल मेरे सामने नहीं है। इंटरेस्टिंग, मुझे उस आउल पे फोकस करना पड़ेगा। वो आउल है कहाँ पर? अच्छा आई थिंक जा चुका है। यह मुझे इसे याद रखना पड़ेगा। मेरे सामने कोई नहीं। वो गोस्ट कहाँ पर है भाई? एक हाथ दिख जाए बस। ये पर भी नहीं। गोस्ट आ चुका है, सॉरी आउल आ चुका है इस साइड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आउल या बेलून बॉय, आई डोंट नो। तो ठीक है, हम लोग जो है अभी उस गोस्ट को जल्दी से स्पॉट करते हैं। मैंगल जो है कैमरा चेंज कर रहा है, इसलिए सब कुछ डार्क है। आई थिंक वो गोस्ट आ चुका है, तो मुझे जो है जल्दी से इसे पहनना पड़ेगा। मैं जब गोस्ट कहता हूँ, मैं समझ जाना वो आउल है। वो आउल जा चुका है, पता नहीं गोस्ट कहाँ पर है। मुझे देखना पड़ेगा जल्दी से। मेरे सामने कोई नहीं। ओके, अब वो आ चुका है वो आउल। फोकस, आई कैन डू दिस। ओके लेट्स सी, यहाँ पर ये वार्निंग का साइन है, मतलब यहाँ पर आ चुका है ऑलमोस्ट। जा चुका है, नाइस। वो गोस्ट है क्या यहाँ पर? आई थिंक जा चुका है। मेरे सामने कोई नहीं। ये डेवलपर्स इतने कमीने क्यों है भाई? अब ये वार्निंग का साइन कभी नहीं जाएगा, ताकि हम लोग कन्फ्यूज हो सके। आउल हमारे वेंट में घूम रहा है, तो हम लोग जल्दी से मास्क को पहनते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा वो घोस्ट कहाँ पर है। आई थिंक मैंने उसे भगा दिया, मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। आउल है यहाँ पर, मुझे दिख तो नहीं रहा। मैं मास्क को पहन के नहीं रख सकता हमेशा। मैंगल हमारे सामने कभी भी आ सकता है, आ सकती है आई थिंक। ओके नाइस, ओ माय गॉड, बच गए। ये ऑलमोस्ट मेरे मुंह के सामने आ चुका था। मुझे अभी उस गोस्ट को स्पॉट करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। जा चुके ये गोस्ट, जो आउल है। मुझे नहीं पता ये गोस्ट कहाँ पर है। मैंगल इतना जल्दी कैमरे को चेंज करती है कि ये सारा सब कुछ डार्क हो रखा है। कैमरा कहाँ पर? ये गोस्ट, अच्छा मैंगल है ये रहा। मुझे नहीं पता भाई ये गोस्ट कहाँ पर है। मैं बस रैंडमली एक रूम में फ्लैश कर रहा हूँ। ऊपर से ये आउल है। ओके, बहुत ही बुरे सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं। मुझे एक और बार इस गोस्ट को भगाना ही पड़ेगा। यह पर है आई थिंक। कोई वार्निंग का साउंड भी नहीं आ रहा। ओ नो, ओ माय गॉड, इसने शायद हमारी बैटरी को चुरा लिया। 5:30, ओके अभी नहीं होगा। अगर ये मैंगल एक बार हमारे सामने आती है, तो हमारा गेम ओवर होता है। लाइट का मेन काम था मैंगल को भगाना, अब बस हम लोग लक पे डिपेंड होके बैठे। क्या हो भाई, कैसे ऐसा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई ऐसा। जब 5 Nights at Freddy's 1 में भी ऐसा होता था, हम लोग लास्ट में वेट करते थे जब तक 6 नहीं बजते तब तक का, और फ्रेडी हमारे रूम के सामने आके म्यूज़िक बॉक्स को प्ले करता था। नाइस, तो हम लोगों ने जो है 6 बजे तक सर्वाइव कर लिया। ऑल तो मैंने 2 बार गोस्ट को भगाया, पर आप लोगों को शायद वो लैग नहीं दिखा जो कि मुझे दिख रहा था। मैं कैमरे को चेंज नहीं कर सकता था, इतना लैग हो रहा था। ये एक्चुअली बहाना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट यही सच था। पर लेट्स सी, मैंने जो है इस नाइट को कंप्लीट कर लिया। अब इस गेम के स्टोरी के बारे में हमें पता चलेगा। क्या यही गोस्ट है जिसके बारे में पॉल बेयर हमेशा हमसे बात करता था? लेट मी इन। ओ माय गॉड, ये स्माइल भी करती है, नाइस। क्या हमें डरा रही? एक सेकेंड, क्या हमारा प्लान फेल हो चुका? ओ नो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा इसके स्माइल से। लेट्स सी क्या होता है। मैंने शायद मैंगल को डिफीट कर दिया। शायद मुझे अभी बेसमेंट से निकलना चाहिए था, पर क्या हो रहा है? ओके, तो आई थिंक एक सेकेंड, वापस से हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है। वो आई एम बैक, वेट व्हाट द हेल, सी मस्ट ऑफ गॉट इन माई हेड। पॉल बियर, वेयर आर यू? एक सेकेंड, प्लीज डोंट हर्ट मी। क्या हो रहा है भाई ये? ओ माई गॉड, आई नो यू वेयर हेयर ऑल अलोन। अच्छा ये है गोस्ट। एक सेकेंड, वाइल यू वेयर सिटिंग इन हेयर बिहाइंड दैट कॉस्ट्यूम आई वॉज वेटिंग सो पेशेंटली फॉर अनदर वन ऑफ योर लिटिल पपेट्स टू लुक वेयर दे वेयर नॉट सपोज टू। Once I'm done with you, I'm going to take your little puppet and split his skull. ये मेरी बात कर रहा है? Not this time, he is different. Oh, really? Let me ask you this. What makes you think he will be able to avenge your spirit now? हमारे पास एक प्लान था, राइट? This. It's done. अच्छा, हमारा बंदा जो है इसके पीछे से आके इसको स्टैब कर देता है भाई। सरप्राइज, नाइस प्लान। अच्छा तो दोनों जो है उस बेसमेंट से निकल चुके थे। आफ्टर 5 ईयर्स जेयर्स वुड लेटर रीओपन। जेयर्स वापस से ओपन होगा,
पता नहीं क्यों हमेशा ये लोग ओपन करते हैं इस चीज़ को, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंडिंग था। मुझे पता है मैंने बहुत बड़े लोर को मिस कर दिया। इट वुड गो ओवर हैवी रीब्रांडिंग एज सम स्टिल हैव समवॉट नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। वापस से आएगा JR 2 में आई थिंक। अच्छा गेम था इनका पूरा नया मैकेनिक्स के साथ। Fazbear Entertainment is now more committed than ever to family fun and above all safety. Safety नाम का कुछ नहीं है और ये लोग जो है JR से Fazbear Entertainment में अपने नाम को शिफ्ट कर रहे हैं। They have smelled a small fortune on this new animatronics. अच्छा इसका क्या मतलब, ये लोग कहना चाहते हैं Fazbear Entertainment का पहले का नाम था JR's? Anyway Jeremy, when do you think you can start? Wait, what the hell? Jeremy, शायद कोई एक वर्कर था जिसका नाम था जेरेमी। मैंने जो है फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के बहुत सारे गेम खेले थे तो मुझे याद नहीं। क्या ये एंड था? हाँ ये एंड था। सो इनका फ्रेंडशिप फाइनली काम आ गया, पॉल बेयर और ये बच्चा जो कि इस लिम्बो में खो चुका था। देन आई थिंक ये बच्चा लिम्बो से वापस अपने रियल लाइफ में जा चुका होगा और पॉल बेयर का क्या हुआ मुझे नहीं पता। आई थिंक वो भी आज़ाद हो चुका होगा बहुत सेंचुरी एक लिम्बो के अंदर ट्रैप रहने के बाद। सो गाइस ये था JR's का फुल गेम प्ले। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। लास्ट टाइम मैं बहुत थक चुका था मैं और मेरे कमेंट्री से पूरा फोकस जा चुका था। बट एनीवेज गाइस अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।